नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की क्लास में। आज अपन पढ़ेंगे एनिमल न्यूट्रिशन, ठीक है। पशु पोषण से संबंधित अगला जो पॉइंट है उसके बारे में आज चर्चा करेंगे अपन। इससे पहले अपन पशु पोषण के दो क्लासेज ले चुके हैं। जिन लोगों ने वो वीडियो अभी तक नहीं देखे हैं उनका लिंक यहाँ डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है इस वीडियो के नीचे, वहाँ जाके उन वीडियो को देख सकते हैं। और आज का जो वीडियो रहेगा अपना, आज की जो क्लास रहेगी वो संबंधित रहेगी फीडिंग रिक्वायरमेंट, ठीक है। एक गाय को कितना चारा चाहिए, भैंस को कितना चाहिए, सुअर को कितना चाहिए, उन चीज़ों के बारे में आज अपन पढ़ेंगे, ठीक है। एक किलो दूध पैदा करने के लिए कितना कंसंट्रेट राशन चाहिए, ये सारी जानकारियाँ आज की क्लास में पढ़ेंगे। अब देखिए, ये जो क्लास है बहुत ही इंपॉर्टेंट है अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ से हर एक लाइन से एक क्वेश्चन बनता है एग्जाम के लिए, ठीक है। तो इसको बहुत ध्यान से देखना है, बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करनी है। तो शुरुआत करते हैं आज का टॉपिक फीडिंग रिक्वायरमेंट्स, ठीक है। पहले भी अपन ने थोड़ा बहुत देखा था इसके बारे में, आज डिटेल से पढ़ेंगे। देखिए, आज का टॉपिक अपना फीडिंग रिक्वायरमेंट्स, ठीक है। फीडिंग रिक्वायरमेंट्स यानी भोजन की कितनी आवश्यकता होती है। तो आज की क्लास शुरू करते हैं अपन फीडिंग रिक्वायरमेंट्स, ठीक है। सबसे पहले फीडिंग रिक्वायरमेंट में पहला पॉइंट आता है ड्राई मैटर रिक्वायरमेंट। ड्राई मैटर क्या चीज़ है, पहले पढ़ चुके हैं अपन कि किसी भी भोज्य पदार्थ से अगर मॉइस्चर को निकाल दिया जाए, मॉइस्चर यानी नमी, जल की मात्रा को उस भोज्य पदार्थ से निकाल दिया जाए तो शेष बचा पदार्थ क्या कहलाता है, शुष्क पदार्थ, या क्या, ड्राई मैटर जिसे बोला अपन ने, ठीक है, शुष्क पदार्थ कहलाता है। अब एक पशु को कितना ड्राई मैटर चाहिए होता है उसके बारे में अपन देखते हैं। तो देखिए, अपन पढ़ेंगे इसको कैटल, या मैं बोल दूं जेबू कैटल यानी देसी गाय, जो भारतीय गाय है उसके लिए पढ़ेंगे, और एक पढ़ेंगे भैंस के लिए, या क्या बोल सकता हूं मैं, क्रॉस ब्रेड जो कैटल है उनके लिए, ठीक है। दो प्रकार से पढ़ेंगे सभी फीडिंग रिक्वायरमेंट्स, तो इसको समझने की कोशिश करना। देखिए, देसी गाय एवं भैंस, ऐसे याद रखना है अपने को। तो गाय के लिए जो ड्राई मैटर रिक्वायरमेंट होती है वो कितनी होती है, 2 से 2.5 किलोग्राम, ठीक है, पर 100 kg ऑफ बॉडी वेट। बॉडी वेट यानी गाय के 100 किलो वजन पर कितना ड्राई मैटर चाहिए, 2 से 2.5 किलोग्राम का ड्राई मैटर चाहिए। ये ड्राई मैटर कहाँ से मिलेगा, भोजन से मिलेगा, जो भी ड्राई उसको फोडर या फीड अपन खिलाएंगे उसमें ड्राई मैटर होगा, तो उस ड्राई मैटर का कितना होना चाहिए, वो 2 से 2.5 किलोग्राम होना चाहिए पर 100 किलोग्राम बॉडी वेट पर। अब गाय का वजन अपन कितना मानते हैं, लगभग 300 किलो मानते हैं, तो 300 किलो के हिसाब से कितना हो जाएगा, 6 से लेकर 7.5 किलो तक ड्राई मैटर चाहिए होता है एक गाय को एक दिन में, ठीक। अब ड्राई मैटर आएगा कहाँ से, देखिए जैसे मैं बात करूँ ग्रीन फोडर की, ग्रीन फोडर मान लीजिए हरा जो चारा है उसमें नमी कितनी पड़ी थी अपन ने, 80% मॉइस्चर होता है ग्रीन फोडर में, पढ़ा था। ये जो 80% है वो क्या है, इसमें मॉइस्चर है, तो इसमें ड्राई मैटर कितना बचेगा, केवल 20% बचेगा। यानी अगर मैं 10 किलो या 1 किलो की बात करें अपन, 1000 ग्राम ग्रीन फोडर खिला रहा हूँ तो उसमें ड्राई मैटर कितना आएगा, 20% यानी 200 ग्राम आएगा केवल, ठीक है। 200 ग्राम क्या आएगा उसमें, ड्राई मैटर होगा। तो इस प्रकार क्या कैलकुलेट करेंगे अपन, ड्राई मैटर कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। अब गाय को चाहिए कितना होता है ये याद रखना, ये क्वेश्चन अपनी एग्जाम में पूछा जाता है कि एक गाय को ड्राई मैटर रिक्वायरमेंट कितनी होती है, शुष्क पदार्थ की कितनी आवश्यकता होती है एक गाय को एक दिन में। तो उसका ऑप्शन क्या सही करते हैं अपन, 2 से 2.5 किलोग्राम पर 100 किलोग्राम बॉडी वेट। नेक्स्ट देखिए, भैंस के लिए कितना होता है, ये 2.5 से लेकर 3 किलोग्राम पर 100 किलोग्राम बॉडी वेट। यानी भैंस को कितना चाहिए, 3 किलोग्राम चाहिए पर 100 किलोग्राम बॉडी वेट पर, ठीक है। 400 किलोग्राम भैंस का वजन माना जाता है, तो उसके हिसाब से कितना हो जाएगा ये, 10 किलो से लेकर 12 किलोग्राम तक ड्राई मैटर चाहिए उसको, ठीक है। केवल ड्राई मैटर की बात कर रहे हैं अपन, टोटल फीड की बात नहीं कर रहे। फीड के अंदर ड्राई मैटर कितना है वो इस एग्जाम्पल से अपन ने यहाँ पे समझने की कोशिश की है कि ग्रीन फोडर जो होता है उसमें कितना ड्राई मैटर होता है। ये होता है ड्राई मैटर रिक्वायरमेंट। अब देखिए, जो फीड होता है उसको डिवाइड करें अपन, ठीक है, किसमें डिवाइड करेंगे, रफेज और कंसंट्रेट में, कितना रफेज देना चाहिए कितना कंसंट्रेट देना चाहिए। तो देखिए, ये एक कोई फीड है, ठीक है, उसको डिवाइड कर दिया मैंने दो भागों में विभाजित किया मैंने इसको। एक को बोल दूं मैं रफेज,
यानी चारा बोल दिया, और एक तरफ बोल दिया मैंने कंसंट्रेट, कंसंट्रेट यानी बांटा या दाना जिसे बोलते हैं अपन, बांट। ठीक, ये तो इतना चारा और इतना बांट। अब देखिए रफेज की जो मात्रा होती है वो कितनी होती है टोटल फीड की, 2/3, 2/3 रफेज होना चाहिए। ठीक है, और 1/3 क्या होना चाहिए कंसंट्रेट। 2/3 का मतलब 67% तो क्या होना चाहिए चारा तूड़ा होना चाहिए, और 1/3 यानी 33% उसमें क्या होना चाहिए बांट होना चाहिए किसी भी जानवर के राशन के अंदर। अब रफेज जो होता है वो भी दो प्रकार का होता है, कौन कौन सा हो सकता है, ड्राई रफेज हो सकता है, ठीक है, ड्राई फोडर, और ग्रीन फोडर भी हो सकता है। ठीक है, सूखा तूड़ा भूसा जिसे बोलते हैं वो भी, और ग्रीन क्या होता है हरा चारा, ठीक है, बरसीम ल्यूसन वगैरह ये क्या कहलाते हैं ग्रीन। तो ड्राई फोडर कितना होना चाहिए उसमें 2/3 होना चाहिए, और ग्रीन कितना होना चाहिए 1/3। कुछ किताबों में अपने को यहाँ पे 3/4 और 1/4 भी मिलता है। ठीक है, तो वो अपने को दोनों ध्यान में रखने हैं, अपनी एग्जाम में ऑप्शन क्या आता है उसके अकॉर्डिंग अपने को सही करना है। ठीक है, तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है। अब आते हैं अपन कंसंट्रेट पे, कंसंट्रेट कितना होना चाहिए कुल राशन का, कुल, ये समझ में आ रही है बात क्या बताना चाह रहा हूँ मैं। ठीक है, मान लीजिए एक भैंस को 10 किलोग्राम राशन चाहिए। ठीक है, अब 10 किलोग्राम राशन चाहिए ये कहाँ से पता किया अपन ने, अभी ड्राई मैटर रिक्वायरमेंट पढ़ी अपन ने कि भैंस को कितना चाहिए 3 किलोग्राम ड्राई मैटर चाहिए होता है 100 किलोग्राम पे। ठीक है, तो वहाँ से ड्राई मैटर रिक्वायरमेंट निकाल के अपन क्या निकाल लेंगे, फीड की रिक्वायरमेंट निकाल लेंगे टोटल कि इस भैंस को इतना फीड देना चाहिए। ठीक, अब उस फीड में से कितना चारा होना चाहिए, कितना तूड़ा होना चाहिए, कितना हरा चारा होना चाहिए, कितना बांट होना चाहिए, बांट मतलब जो भी अपन कांकड़े की खल दे रहे हैं उसको, सरसों की खल दे रहे हैं या दलिया दे रहे हैं, अनाज का चापड़ दे रहे हैं, ये जो सारी चीज़ें होती है वो किस में आती है कंसंट्रेट में। और एक पार्ट कौन सा होता है उसका, चारा, सब लोग जानते हैं जो पशु रखते हैं उनको सब इसकी जानकारी है, और अपन इस फील्ड से जुड़े हुए हैं पशुपालन से, तो अपने को इस चीज़ की जानकारी रखनी पड़ेगी। ठीक है, तो इधर आइए, अब क्या बोल रहा हूँ मैं कि जो जानवर को फीड खिला रहे हैं अपन उसमें दोनों भाग होने चाहिए, रफेज भी होना चाहिए कंसंट्रेट भी होना चाहिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब रफेज कितना होना चाहिए कंसंट्रेट कितना होना चाहिए ये पढ़ना चाह रहे हैं अपन। तो मैं क्या एग्जांपल मान रहा हूँ कि किसी एक जानवर को 10 किलोग्राम फीड चाहिए पूरे दिन का। ठीक है, यानी उसका राशन कितना है 10 किलोग्राम है, तो उसमें से रफेज कितना होना चाहिए 67% यानी 6 किलो 700 ग्राम क्या होना चाहिए उसमें चारा होना चाहिए, और 3 किलो 300 ग्राम क्या होना चाहिए बांट होना चाहिए। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब ये जो चारा है उसमें से ड्राई कितना होना चाहिए 2/3 होना चाहिए, और ग्रीन कितना होना चाहिए 1/3। जो चारा अपन उसको देना चाह रहे हैं उसमें तूड़ा या भूसा, एक मात्रा तो किसकी होगी तूड़ा या भूसा की हो जाएगी, और एक मात्रा किसकी हो जाएगी गीले चारे की, ठीक है, या हरे चारे की, उसको कितना मान रहे हैं अपन 2/3 और 1/3। कुछ बुक्स में ये भी देखने को मिलता है, दोनों को ध्यान में रखना है, एग्जाम में ऑप्शन क्या है क्वेश्चन में उसके अकॉर्डिंग सही करना है। अब आते हैं अपन कंसंट्रेट पे, बांट पे, वो कितना होना चाहिए कुल राशन का 33% होना चाहिए। अब इसमें क्या क्या दे सकते हैं अपन, देखिए अनाज दे सकते हैं, ठीक है, चापड़ दे सकते हैं, ठीक है, और क्या दे सकते हैं खल दे सकते हैं। तो देखिए अनाज की जो मात्रा होती है वो कितनी होनी चाहिए 40%, खल की मात्रा कितनी होनी चाहिए 40%, और चापड़ कितना होना चाहिए 20% होना चाहिए। ठीक है, अनाज का दलिया हो सकता है, खल कोई सी भी हो सकती है, ग्राउंड नट केट हो सकती है, मूंगफली की खल, सरसों की खल, तिल की खल, कपास या खल, जो भी है वो कितना होना चाहिए 40%, और चापड़ कितना होना चाहिए 20%। तो ये क्या किया अपन ने, एक फीड को डिवाइड किया विभिन्न भागों में कि एक जानवर को कितना फीड अपने को देना है, कितना रफेज देना है, कितना कंसंट्रेट, यहाँ से अपनी एग्जाम में क्वेश्चन निश्चित रूप से पूछा जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है अपने को। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, विभिन्न प्रकार के राशन, जैसे अपन ने पहले भी पढ़ा था मेंटेनेंस राशन होता है, एक क्या होता है प्रेगनेंसी का राशन होता है, एक प्रोडक्शन का राशन होता है, वो राशन कितने होते हैं उनको अपन जल्दी से रिवाइज करेंगे यहाँ पे, क्योंकि पहले पढ़ चुके हैं। देखिए मैं बात करूँ गाय के लिए, ठीक है, गाय या भैंस की बात कर रहे हैं अपन, तो इसमें एक क्वेश्चन अपनी एग्जाम में क्या आता है कि गाय को, ठीक है, गाय को 1 किलोग्राम दूध उत्पन्न करने के लिए कितना TDN चाहिए, TDN की आवश्यकता कितनी होती है, यह क्वेश्चन अपनी एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या करना होता है अपने को 0.32 किलोग्राम TDN, ये ध्यान में रखना है।
एक किलोग्राम दूध उत्पादन के लिए कितना टीडीएन चाहिए, 0.32 किलोग्राम टीडीएन चाहिए। दूसरा एक क्वेश्चन आता है कि गाय को 1 मिलीलीटर दूध उत्पन्न करने के लिए, 1 मिलीलीटर दूध बनाने के लिए, ठीक है, उसके अडर से यानी उसके जो थन हैं उनसे कितना ब्लड सर्कुलेट होता है, ब्लड सर्कुलेट होता है। वीओ 2013 के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, तो इसका आंसर क्या करना है अपने को, 400 से 500 ml, ठीक है, ये क्या है, ब्लड की मात्रा है, ठीक है, इतना रक्त प्रवाहित होना चाहिए 1 मिलीलीटर दूध उत्पन्न करने के लिए, ठीक। जबकि इधर क्या पढ़ा है अपने, 1 किलोग्राम दूध के लिए कितना टीडीएन चाहिए, ठीक है, दोनों चीज़ें अपने को ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए अब, मेंटेनेंस राशन। मेंटेनेंस राशन का मतलब क्या होता है, जीवन निर्वाह के लिए जो न्यूनतम आवश्यकता होती है राशन की, उसे क्या बोलते हैं, मेंटेनेंस राशन बोलते हैं, ठीक है, जिससे शरीर का भार नहीं बढ़ता है, नहीं घटता है, कोई परिवर्तन नहीं होता, तो इसे क्या बोल रहे हैं अपन, जीवन निर्वाह राशन, जीवन निर्वाह राशन बोल दूं, ठीक है। वही दो स्थितियां पढ़ेंगे, एक तो देसी गाय की पढ़ेंगे, एक भैंस की पढ़ेंगे, या क्रॉस ब्रेड कैटल की पढ़ेंगे। तो जीवन निर्वाह राशन कितना होता है गाय के लिए, इसको दो भागों में विभाजित करें अपन, तूड़ा और यानी रफेज और कंसंट्रेट में डिवाइड कर दूं मैं इसको, रफेज और कंसंट्रेट। तो देखिए गाय के लिए रफेज कितना चाहिए, 4 किलोग्राम चाहिए, जबकि कंसंट्रेट कितना चाहिए, 1 किलोग्राम जीवन निर्वाह के लिए। भैंस की बात करें तो रफेज कितना चाहिए, 4 से 6 किलोग्राम होना चाहिए, और कंसंट्रेट की बात करें तो कितना होना चाहिए, 2 किलोग्राम होना चाहिए, ठीक है। दूसरा राशन पढ़ते हैं अपन इसमें, दुग्ध उत्पादन राशन, प्रोडक्शन राशन जिसे बोला था, दूध के उत्पादन से संबंधित। तो दूध उत्पादन के लिए गाय को कितना चाहिए होता है, 1 किलोग्राम दूध के लिए 400 ग्राम पर किलोग्राम ऑफ मिल्क, ठीक है। इसका क्या मतलब हुआ, 1 किलोग्राम दूध उत्पादन के लिए कितना कंसंट्रेट चाहिए, 400 ग्राम चाहिए, जबकि भैंस या संकर गाय को कितना चाहिए, 500 ग्राम कंसंट्रेट चाहिए 1 किलोग्राम दूध उत्पादन के लिए। नेक्स्ट पॉइंट देखिए अब इसमें, अगली क्लास पढ़ी थी अपन ने प्रेगनेंसी, यानी गर्भावस्था के दौरान गाय को कितना राशन चाहिए, 1.25 किलोग्राम एक्स्ट्रा कंसंट्रेट, ठीक है, ये क्या पढ़ रहे हैं अपन, एक्स्ट्रा कंसंट्रेट चाहिए, जबकि भैंस के लिए या संकर गाय के लिए कितना चाहिए, 1.75 किलोग्राम एक्स्ट्रा कंसंट्रेट चाहिए होता है, ठीक है। प्रत्येक शब्द से एक क्वेश्चन बनता है अपने एग्जाम का, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, ध्यान में रखना है, ये मैं पहले पढ़ा भी चुका हूँ, उसके बावजूद भी क्विज में लोगों ने गलत किया था इसका आंसर, ठीक है, तो अच्छे से इसको ध्यान में रखना है। अब आते हैं अपन बकरी के बारे में बात करें, ठीक है, बकरी पे आए, तो बकरी में क्या होता है, देखिए बकरी से एक क्वेश्चन आता है अपनी एग्जाम में कि बकरी को 1 किलोग्राम दूध उत्पादन के लिए कितना राशन चाहिए, ठीक है। तो देखिए 1 किलोग्राम के लिए कितना कंसंट्रेट चाहिए बकरी को, 300 ग्राम कंसंट्रेट चाहिए, कितना, 300 ग्राम बांटा चाहिए, जिसे क्या बोल रहे हैं अपन, कंसंट्रेट राशन बोल रहे, ठीक। दूसरा पॉइंट देखिए इसमें, बकरी को कुल राशन कितना चाहिए एक दिन का, बकरी का कुल राशन एक दिन के लिए कितना भोजन चाहिए बकरी को, 3.5 किलो से लेके 5 किलोग्राम तक का भोजन चाहिए भाई, ये याद रखने हैं दोनों बिंदु जहाँ से अपने एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है। अब बात करें अपन भेड़ की, भेड़ को क्या चाहिए, कितना राशन चाहिए उसकी बात करें, तो भेड़ में सबसे पहले ऊन उत्पादन की बात करें तो एक भेड़ को जिससे ऊन उत्पादन लिया जा रहा है 40 ग्राम DCP, ठीक है, डाइजेस्टेबल क्रूड प्रोटीन, उसके राशन में 40 ग्राम DCP होना चाहिए, ठीक है, प्रतिदिन की बात कर रहे हैं, जो भेड़ ऊन उत्पादन के लिए पाली जा रही है उसके राशन में 40 ग्राम DCP एक्स्ट्रा होना चाहिए, इसको याद रखना अपने को, ठीक है, 40 ग्राम DCP होना चाहिए ऊन उत्पादन के लिए। नेक्स्ट पॉइंट आता है भेड़ से फ्लसिंग, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि फ्लसिंग राशन होता क्या है, तो देखिए फ्लसिंग राशन का सीधा सा मतलब क्या होता है कि भेड़ को प्रजनन काल से पूर्व, ठीक है, उसकी प्रजनन क्षमता को बढ़ाने के लिए एक विशेष राशन दिया जाता है जिसे क्या बोलते हैं अपन, फ्लसिंग राशन बोलते हैं, ठीक है, और इस क्रिया को क्या बोल देते हैं, फ्लसिंग बोलते हैं। होता क्या है देखिए इसमें, फ्लसिंग राशन में क्या ध्यान रखना अपने को, 200 ग्राम कंसंट्रेट होता है और हरा चारा होता है, ठीक है, पर्याप्त मात्रा में हरा चारा और 200 ग्राम कंसंट्रेट दिया जाता है फ्लसिंग में भेड़ को, उसकी प्रजनन क्षमता बढ़ाने के लिए, ठीक है। अब आते हैं अपन सुअर पे, तो सुअर में देखिए विभिन्न प्रकार के राशन होते हैं जहाँ से अपने एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कौन कौन से होते हैं,
प्री स्टार्टर राशन होता है, एक स्टार्टर राशन होता है, एक ग्रोविंग राशन होता है और एक फिनिशर राशन होता है। अब ये राशन किस अवस्था में दिए जाते हैं सुअर को, ये क्वेश्चन पूछा जाता है अपनी एग्जाम में, ठीक है। और एक क्वेश्चन आता है सुअर से पिगलेट एनीमिया। देखिए किसकी बात कर रहे हैं अपन, सुअर की। यहाँ से एक क्वेश्चन आता है पिगलेट एनीमिया से। पिगलेट एनीमिया क्या होता है, देखिए जो सुअर के नवजात होते हैं उसे क्या बोलते हैं अपन, पिगलेट बोलते हैं। उसमें क्या हो जाता है, एनीमिया यानी खून की कमी हो जाती है। जो नवजात होता है 2 किलो से पहले का यानी 5 से 7 दिन का जो बच्चा है सुअर का, उसमें क्या हो जाएगा, एनीमिया हो जाता है। तो इससे बचाव के लिए क्या करते हैं, जो इसकी मादा होती है सुअर की, ठीक है, जिसके बच्चे हैं पिगलेट कहा जिसे अपन ने, उसके थनों पे क्या करते हैं अपन, फेरस सल्फेट का लेप लगा देते हैं, ठीक है। उसके थनों पे क्या किया, फेरस सल्फेट का लेप कर देते हैं, जिससे क्या होगा, जब पिगलेट उससे दूध पिएगा तो वो आयरन की मात्रा उनके शरीर में चली जाती है, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना, ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है। नेक्स्ट देखिए, अब राशन की बात करें तो एक होता है इसका क्रीप राशन, क्रीप राशन, या इसको क्या बोल सकते हैं अपन, प्री स्टार्टर राशन, ठीक है। ये कब दिया जाता है, जब सुअर का बच्चा 2 किलोग्राम से कम का हो, ठीक है। 2 किलोग्राम तक का जो बच्चा होता है उसे दिया जाने वाला राशन क्या कहलाता है, क्रीप राशन या प्री स्टार्टर राशन। दूसरा पॉइंट देखिए, स्टार्टर राशन, तो स्टार्टर राशन किसको दिया जाता है, 20 किलोग्राम तक के सुअर के बच्चे को दिया जाता है, ठीक। नंबर तीसरा पॉइंट देखिए इसमें, ग्रोविंग राशन, तो ग्रोविंग राशन किसको देंगे, 20 से लेके 35 किलोग्राम तक के सुअर को। नेक्स्ट होता है फिनिशर, तो फिनिशर राशन दिया जाता है 35 से 70 किलोग्राम तक के सुअर को। ये राशन होते हैं, ठीक है, डिफरेंट काइंड ऑफ। इसके बाद में क्या होता है, फिर रेगुलर राशन पे आते हैं अपन। तो ये अपने को ध्यान में रखना है कि कौन सा राशन किस अवस्था में दिया जा रहा है। अब बात करते हैं अपन स्टार्टर राशन से, काफ स्टार्टर की। काफ स्टार्टर का मतलब क्या है, देखिए यहाँ पे एक चीज आएगी, वीनिंग। वीनिंग क्या होता है, काफ को यानी बछड़े को उसकी माँ के दूध से हटाना, माँ का दूध पिलाना अपन बंद कर रहे हैं उसको, तो ये जो क्रिया है माँ का दूध बंद करने की, उसे क्या बोलते हैं अपन, वीनिंग बोलते हैं। तो काफ स्टार्टर राशन की जरूरत पड़ेगी, जब अपन उसको दूध नहीं पिला रहे तो उसको एक्स्ट्रा कुछ खिलाना पड़ेगा अपने को, ठीक है, उस राशन को क्या बोलते हैं, काफ स्टार्टर। अब अपने एग्जाम में क्वेश्चन क्या आता है कि जो काफ स्टार्टर राशन होता है उसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू पूछता है वो, यानी उसमें DCP कितना होता है और उसमें TDN कितना होता है। तो देखिए DCP की मात्रा होती है उसमें 18.5 से लेकर 19.5% तक, ठीक है, और TDN जो होता है वो कितना होता है, 75%। ये डेटा अपने को ध्यान रखना है, यहाँ से अपने एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। काफ स्टार्टर जो राशन है उसमें DCP कितना होना चाहिए, TDN कितना होना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, अब सुअर में जो प्रोटीन रिक्वायरमेंट है, प्रोटीन रिक्वायरमेंट, ये भी क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि सुअर में, सुअर के राशन में जो प्रोटीन रिक्वायरमेंट होती है वो कितने परसेंट होनी चाहिए, 18%। पोल्ट्री की बात करें तो देखिए पोल्ट्री को 2 भागों में विभाजित करके पढ़ते हैं अपन, एक तो होता है लेयर, एक होता है ब्रॉयलर। लेयर का मतलब क्या होता है, जो अंडे उत्पादन के लिए पाली जाती है मुर्गियाँ उन्हें क्या बोलते हैं अपन, लेयर। और ब्रॉयलर जो मांस उत्पादन के लिए पाली जाती है उसे ब्रॉयलर बोलते हैं। तो लेयर में भी कितना प्रोटीन होना चाहिए, लेयर के राशन में भी 18 होना चाहिए और ब्रॉयलर के राशन में कितना होना चाहिए, 16%। इन तीनों चीज़ों को एक साथ याद रखना है, ठीक है, प्रोटीन रिक्वायरमेंट ऑफ स्वाइन, पॉइंट रिक्वायरमेंट ऑफ लेयर एंड प्रोटीन रिक्वायरमेंट ऑफ ब्रॉयलर राशन कितना होता है, 18, 18 एंड 16%। तो आज के इस क्लास में अपन ने क्या पढ़ा, विभिन्न प्रकार के फीड जो होते हैं उसको ड्राई मेटर बेसिस पे कैसे डिवाइड करते हैं अपन, ठीक है, एक जानवर के राशन में कितना रफेज होना चाहिए, कितना कंसंट्रेट होना चाहिए, ठीक है, और उसके अलावा क्या पढ़ा अपन ने, सामान्य राशन जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं और कब दिए जाते हैं। धन्यवाद।